हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? सोते हुए बिना डाइटिंग बिना जिम के अपना वजन घटाइए, वो भी बिल्कुल सस्ते में और इफेक्टिव तरीके से। ऐसा नेचुरल तरीका बताऊंगी जो आपके फैट को बिल्कुल तोड़ के रख देगा, आपके बॉडी को बिल्कुल शेप में ले आएगा, वो भी बेहद जल्दी। आज मैं बात कर रही हूँ फैट बर्निंग ऑयल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये फैट बर्निंग ऑयल आपके मोटापे को अच्छे से पिघला देगा। आपके बॉडी में जहाँ जहाँ फैट है वहाँ वहाँ से आपका फैट टूट कर आपकी बॉडी प्रॉपर टोन अप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए इस ऑयल को कैसे बनाना है ये सब जान लेते हैं। आजकल के टाइम में सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोटापा। मोटापे की वजह से हम बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील करते हैं, अपने फेवरेट कपड़े नहीं पहन पाते, कपड़े पहनने के बाद भी उसमें से फैट अलग से निकल रहा होता है। गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम ब्रा पहनते हैं बैक फैट उनका अलग से निकल कर बाहर आ रहा होता है, जो बहुत ही बुरा लगता है। अलग से हर जगह से चर्बी निकल रही होती है, बैठते हुए उठते हुए हमें उसको कवर करके बैठना बेहतर समझते हैं। तो उस चीज को कवर करने की जगह आप हमेशा के लिए इसको खत्म करिए। पहला तरीका है अपनी डाइट पे कंट्रोल रखें, जिसमें से मीठा और नमक कट ऑफ कर दें। बाहर के तला भुना चीजें हफ्ते में एक दिन रखें या महीने में एक दिन रखें, बाकी दिन घर का पका हुआ अच्छा खाना खाएं। वर्कआउट थोड़ा बहुत डेली अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा है, उससे आप बीमारियों से दूर रहते हैं। हार्डली आप थोड़ा बहुत आसन योगासन कर सकते हैं। अगर उसका भी टाइम नहीं तो ये स्लिमिंग ऑयल तो वैसे भी आपको फिट रखेगा लेकिन आपके फैट को खत्म करेगा। लेकिन आपको इंटरनली फिट रहने के लिए मेरी तरफ से एडवाइस है कि आपको योग आसन और एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस फैट बर्निंग ऑयल को बनाने का सही तरीका क्या है, कैसे इसे हमें बनाना है और किन चीजों की जरूरत है। इसके लिए आपको लेना है 100 ml सरसों का तेल, 50 ml नारियल का तेल, 2 चम्मच काला जीरा, 1 से 1.5 इंच दालचीनी, आधा चम्मच अजवाइन और हाफ टुकड़ा जायफल का, 2 टिक्की कपूर की। ये सारी चीजें आपको चाहिए। सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसको गैस पे रख देना है हल्के सेक पे। जब वो हल्की गर्म होने लगे तो उसमें हम डालेंगे 100 ml सरसों का तेल। सरसों का तेल आपको गर्मी देता है, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और हमारे शरीर में जमा चर्बी को पिघलाने का काम करता है। जब वो हल्का गर्म हो जाए तो उसमें हम ऐड करेंगे 50 ml नारियल का तेल। नारियल का तेल पेट की चर्बी को पिघलाता है, साथ ही साथ इसमें बहुत तरह के फैटी एसिड होते हैं जो चर्बी को मेल्ट करते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव ऑयल है, स्पेशली फॉर बेली फैट के लिए। मार्केट में मिलने वाले जितने भी स्लिमिंग ऑयल होते हैं उन सब में सरसों का तेल यूज किया जाता है। आपको इस्तेमाल करना है 2 चम्मच काली जीरा। काली जीरा में एंटी माइक्रोबियल गुण होता है जो हमारे फैट को पिघलाता है, हमारे पेट फूलना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन को तोड़ता है और हमारी जिद्दी चर्बी को भी पिघलाता है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 इंच दालचीनी का एक टुकड़ा। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और हमारे जमा हुआ चर्बी को पिघलाती है, हमारे बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करती है, जिससे जहां जहां हमारा फैट है वहां वहां उस एरिया में ये टूटने लगता है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टुकड़ा जायफल का। इसको आपने क्या करना है, आपको घीस लेना है, घिसने के बाद उस ऑयल में डाल देना है। जायफल जैसे जैसे इसमें घुलता जाएगा वैसे वैसे आपका ये ऑयल बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। जायफल आपके फैट सेल को तोड़ता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और साथ में आपकी डाइजेशन को भी बूस्ट अप करता है। इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे 2 टिक्की कपूर। कपूर क्या करती है, जहाँ पे आपका थाई फैट है, हिप फैट है, एब्डोमिनल फैट है, वहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज करती है और वहाँ के फैट सेल को तोड़ती है। तो आपने इनको अच्छे से हल्के सेक पे चलाते रहना है। चलाने के बाद आप इस ऑयल में झाग देखेंगे, झाग बनना शुरू हो जाएगा। जब ये धीरे धीरे झाग बन रहा है तो उसको बनने दीजिए, हिलाते रहिए और उसके बाद आप कुछ देर बाद नोटिस करेंगे 5 से 10 मिनट में कि झाग बिल्कुल खत्म हो गया है। झाग जैसे ही खत्म हो जाएगा आप छन्नी की मदद से उसको एक बर्तन में छान लीजिए, जिस शीशे में आपको स्टोर करके रखना है या किसी बाउल में। अब जानते हैं इसको लगाने का सही तरीका और सही टाइमिंग। ये ऑयल आपके कम से कम 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा क्योंकि आपने इसको अच्छे से पकाया हुआ है, तो कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इस ऑयल को जब भी आपको लगाना है तो डबल बॉयलर की हेल्प से इसको गर्म करना है, यानी पहले एक बर्तन लेना है, उसमें गर्म पानी डालना है और उसमें ऊपर से कटोरी में इस ऑयल को रखना है ताकि वो हल्का गुनगुना हो जाए। उस ऑयल से जहां भी अगर आपके थाई में फैट है या आपके बाजू में या आपके एब्डोमिनल में जहां भी फैट है वहां पे आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट मसाज करने के बाद आपको पतली वाली प्लास्टिक आती है इस तरह की, आप उसको उस एरिया को रैप कर लीजिए। अगर
वो भी नहीं है आपके पास, तो आप सूती कपड़े से बांध लीजिए। बांधने के बाद आप सो जाइए। उससे क्या होगा, आपका वहाँ पे स्वेट आएगा, हीट जनरेट होगी और आपके वहाँ की चर्बी बहुत जल्दी पिघलेगी। टिप नंबर 2, अगर आप बहुत जल्दी फैट लॉस करना चाहते हैं तो इस ऑयल का इस्तेमाल आप वर्कआउट से पहले करें। अगर आप जिम जा रहे हैं या घर पर भी कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका दुगनी तेजी से वहाँ का फैट टूटेगा। आपको जिम या एक्सरसाइज करने से पहले उस ऑयल को उस एरिया में लगाना है। उसके बाद आपको खूब सारी एक्सरसाइज करनी है पेट की। पेट की एक्सरसाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके उनको फॉलो करके पेट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपका फैट बहुत जल्दी टूटेगा क्योंकि हीट जनरेट हो रही है, आपने ऑयल से मसाज करा हुआ है, तो आप ऊपर से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दुगना असर पड़ेगा आपके फैट को टूटने में। इन दो तरीके से आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके पास वर्कआउट का टाइम नहीं तो सुबह के टाइम आप इसको लगा लें और रात को उसको लगा लें सोने से पहले, तो आपका फैट वैसे भी टूटने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही ध्यान रखिए अपनी डाइट का, खूब सारा पानी पिएं, हेल्दी डाइट खाएंगे तो डेफिनेटली वेट कंट्रोल होगा, अच्छी चीजें खाएं। वेट लॉस का मतलब ये नहीं कि आप भूखे रहें, उससे आपका फेस, आपकी बॉडी इंटरनली वीक हो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा और आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे। तो अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट रखें, अपना ख्याल रखें और आपकी सेहत का ख्याल हमेशा मैं ऐसे रखती रहूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी रेमेडीज के साथ। बाय।